मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है तीसरी पीढ़ी से भी आप दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? आपने परशुराम अग्रवाल जी के साथ क्या किया, महिपाल जी के साथ क्या हुआ, और बहन दिव्या जी के साथ भी? मुझे लगता है दुश्मनी हमेशा के लिए निभाने की आदत है मुख्यमंत्री, लेकिन वो विधायक जनप्रतिनिधि है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जनप्रतिनिधि का सम्मान करना ये लोकतंत्र में प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, मुखिया की जिम्मेदारी। योजना बनाएंगे जहां एक तरफ PFI जैसे आतंकवादी संगठन को कोटा में बड़ी रैली की अनुमति मिलती है, तो दूसरी तरफ रामनवमी और हिंदू नववर्ष मनाने वाले लोगों पर धारा 144 लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाया जाता है, प्रभु श्रीराम का नारे लगाने वाले के ऊपर FIR लगाई जाती है, उदयपुर में भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये कौन सा कानून और कैसी इनकी काम करने की दृष्टि है, ये इससे साफ दिखाई देती है। एक तरफ वो कन्हैया जो कहता है कि मुझे सुरक्षा दो, नहीं दी जाती, उनको पकड़ने वाले दो साथी शक्ति सिंह, और उन लोगों को जब थ्रेड मिलती है तो उनको भी कहा जाता है कि आपको किसने कहा अपराधियों को पकड़ने के लिए। इस प्रकार का जवाब सत्ता और शासन में बैठे लोग देते हैं, तब लगता है कि कहीं कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जो जवाबदेही आपने जनता के बीच में दर्शाई थी उस पर आप फेल साबित हुए। आपने देखा होगा इनके घोषणा पत्र के पेज नंबर 3 पे क्रम संख्या 1 बिंदु संख्या 1 पर किसान की कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन आज 4.5 वर्ष में कर्ज माफी नहीं हुई, सैकड़ों हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पे है, उसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान की जनता और किसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। वो गंगानगर का किसान कन्हैयालाल करेल, ऐसे अनेक किसानों ने आत्महत्या कर ली, उसका दोषी अगर कोई है तो स्वयं राजस्थान के मुख्यमंत्री और इनके पार्टी के नेता राहुल गांधी जिम्मेदार है, जिन्होंने विश्वास दिलाया कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। इनके घोषणा पत्र के पेज संख्या 15 पर क्रम संख्या 10 पर बिंदु संख्या 1 पर लिखा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला, लेकिन रीट की परीक्षा में RPSC के नाम से एक नई इंडस्ट्री भ्रष्टाचार की जरूर कांग्रेस पार्टी ने खोल ली। मैं आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये बाबूलाल कटारा कौन है जिससे गिरफ्तार होने के बाद कहा कि मैं 1.5 करोड़ रुपया देकर RPSC का सदस्य बना? किसने बनाया और किसने बनाया? मुख्यमंत्री जी, क्या संबंध है इससे आपका? इनका पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत अभी 18 लाख रुपए लेते हुए शराब पकड़ा गया, युवा परीक्षा भर्ती में, जो कह रहे हैं कि 2 RPSC के सदस्य कोई जनता के साथ अहित का मुद्दा आया है, जनता को धोखा देने का मुद्दा आया है, जनता के लिए न्याय का विषय है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 4.5 वर्ष का रिकॉर्ड उठा के देख लो, हमेशा से जनहित के मुद्दे पर पार्टी ने संघर्ष किया है। जितेंद्र जी, देखिए वो हमारी टीम बैठ के प्लानिंग करेगी, जब भी होगा इसके बारे में जल्दी आपको निर्णय बताएंगे। देखिए कांग्रेस ने जो कहती है वो करती नहीं। मैंने जन घोषणा पत्र में मैंने बताया कई बिंदु इस पर और अभी सितंबर में आप फिर देख लेना, आप और हम बात करेंगे। पड़ोसी राज्य की तुलना कर लें तो राजस्थान में निर्यात गुजरात के मुकाबले 15 गुना कम है, कौन जिम्मेदार है इसका? हम लोग राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में जिस प्रकार से गिरावट आई है 40% 40% की वृद्धि, और कांग्रेस के कार्य जहां BJP के राज में 40% की वृद्धि थी जो आज 6% तक सीमित गई। आप देखिए कि 30% का वेरिएशन इन पिछले 4.5 वर्षों में। हम आधार स्तर पर विकास की बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी के राज में जहां 60,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था आज वो सिर्फ 9,000 किलोमीटर हो रहा है। BJP की गवर्नमेंट में जहां ग्रोथ रेट 12% थी आज वो घटकर 2018 के बाद सिर्फ 2% रह गई है।
हम हेल्थ सेक्टर में देखें तो जिस प्रकार से, चूंकि नेशनल हेल्थ मिशन हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ये केंद्र का पैसा आता है लेकिन रिक्रूटमेंट करना स्टेट का काम है, वहाँ नीचे व्यवस्था है पहुँचाना स्टेट का काम है, उनमें भी आप फेल साबित हुए हैं। और आज इसी कारण आज राजस्थान में डॉक्टर्स की कमी है, 1482 लोगों के लिए एक डॉक्टर है मात्र, जो देश का औसत है 834, जहाँ 38% डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट के डॉक्टर्स के पद खाली हैं। तो आज इसका जिम्मेदार कौन है? मैं राजस्थान की सरकार को जिस प्रकार से कानून व्यवस्था से लेकर डेवलपमेंट से लेकर युवा किसान के प्रति जवाबदेहिता से लेकर नारी शक्ति के सुरक्षा को लेकर आज पूरा राजस्थान राजस्थान की सरकार से प्रश्न करता है कि जिस प्रकार से दुष्कर्म दलित अत्याचार बढ़ा है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है, नारी की सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे, विकास राजस्थान का अवरुद्ध हो गया, तो हर मामले में राजस्थान की सरकार फेल साबित हुई। ये नहीं सहेगा कैंपेन आज जन जन तक नीचे पहुंचने वाला, और कल आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार का लाठीचार्ज हमारे युवा साथियों के ऊपर यहाँ की सरकार ने, इस सरकार की निर्देश पर हुआ है। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं लेकिन वो ज्वालामुखी बनकर फटेगा। और RPSC जैसी संस्था को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों ने घोटाला किया है उनको सजा तो मिलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में RPSC को बंद करके UPSC की तर्ज पर एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का भी काम करेगी। मैं आज इसी विषय पर आप सब लोगों से चर्चा करनी थी। बहुत धन्यवाद।